तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो सेशन है या ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों का हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बेसिक ठीक ठाक है, जो साल डेढ़ साल से दो साल से तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये जो है क्विक रिविजन जैसा है। इसमें मैंने जो मेहनत की है वो इस तरह से की है, जैसे मान लीजिए आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है, बाबर का बेटा कौन है, तो अकबर का बेटा कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लाल किला किसने बनाया, आगरा में ताजमहल किसने बनाया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब जैसे बोलते हैं ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो कौन है, वास्तुकार कौन है, या जहाँ आरा की कब्र कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन जो अक्सर हमें याद नहीं होते या जो अक्सर हम भूल जाते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ रिविज़न के लिए। तो जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा ये क्या हो रहा है, तो ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक ठीक ठाक है और जिनका अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग अगर नए हैं तो अगर आपके लिए आज इंपॉर्टेंट नहीं है तो 6 महीने बाद ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आज के सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करेंगे एनवायरमेंट और इसके अलावा इकोसिस्टम की, ठीक है। तो बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं आगे। इकोसिस्टम के बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा है, बहुत कुछ जानते हैं आप। इकोसिस्टम की एक जो आम डेफिनेशन है या परिभाषा शॉर्ट में बता दूं आपको कि खाद्य जाल से, आपस में फूड चेन से जुड़े हुए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं उनकी व्यवस्था है ये, और ऐसी व्यवस्था है जो अपने परिवेश से लगातार क्रिया करते रहते हैं। मैंने लिखा है कि खाद्य जाल से जुड़े जैविक और अजैविक तत्व जो कि अपने परिवेश से लगातार इंटरेक्शन या लगातार अंतरक्रिया करते रहते हैं, ये जो है इकोसिस्टम की सबसे सटीक परिभाषा है। इकोसिस्टम के दो खास घटक हैं, एक तो फूड चेन खाद्य श्रृंखला और दूसरा हैबिटेट यानी कि वो जगह जहाँ पर वो इकोसिस्टम मौजूद है। तो फूड चेन और हैबिटेट, इसके अलावा उत्पादकता और यहाँ पर मैंने लिखा सोलर। तो किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि वहाँ पर जो जैविक घटक हैं, जैविक तत्व हैं, जैविक तत्व का मतलब समझ रहे हैं फॉसिल्स हैं, तमाम तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो समय के साथ कितना बढ़ रहे हैं, अधिक बढ़ रहे हैं तो अधिक उत्पादकता है, और कम बढ़ रहे हैं तो कम उत्पादकता, और घट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उत्पादकता घट रही है, इकोसिस्टम पर संकट आ गया। और किसी भी इकोसिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी इकोसिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एनर्जी सोर्स वो है सोलर एनर्जी। एनर्जी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, वो सोलर एनर्जी है। खैर आगे चलें, अब यहाँ पर बात करेंगे कि इनिशियल इकोसिस्टम और जो आपका है मैच्योर इनिशियल इकोसिस्टम, शुरुआती परिस्थिति के तंत्र और जो परिपक्व है या मैच्योर इकोसिस्टम है, उन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आमतौर पर आप जानते ही हैं कि जो प्रारंभिक और प्रौढ़ या परिपक्व इकोसिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें कुछ खास अंतर हैं जो आप लोग अक्सर भूल जाएंगे, उनकी बात करेंगे। तो जो इनिशियल इकोसिस्टम है, जब ये अपने पीक पर पहुंचता है, मैच्योर स्टेज पे पहुंचता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और स्टेबल होने के बाद फिर ढलान पे आने लगता है। जैसे हम लोग हैं ना, शुरू से लेकर हमारा पीक क्या है, जवानी, शुरू से लेकर के जवानी तक, बचपन से लेकर जवानी तक हम धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं अपना। जवानी जो है वो हमारा पीक है, उस समय हम लगभग स्टेबल होते हैं, छोटी मोटी बीमारियों का, छोटे मोटे इमोशंस का हम पर कोई असर नहीं होता, उसके बाद फिर ढलान शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जो शुरुआती इकोसिस्टम है बहुत ही सेंसिटिव होता है, जब धीरे धीरे ये अपने पीक पर पहुंच जाता है या मैच्योर हो जाता है तो उस समय सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद फिर इसमें ढलान शुरू हो जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में कुछ रेयर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विरल पोषक, एक होते हैं मुख्य पोषक, दूसरे होते हैं गौड़ पोषक। तो इसी में आपसे पूछेगा विरल पोषक, तो आयरन, जिंक, मैग्नीज और कोबाल्ट को हम कहते हैं विरल पोषक, ठीक है ना। जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, कहाँ कम होगी, कहाँ ज़्यादा होंगी, जहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी इकोसिस्टम में वहाँ ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होगी। जो मैच्योर या पुराना इकोसिस्टम होगा वहाँ ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होगी, और जो शुरुआती स्टेज में होगा, जैसे धान का खेत है, आपने धान का खेत तैयार किया, उसमें पौध रोप दी, तो ये बिल्कुल नया इकोसिस्टम है, यहाँ पर एनर्जी की नीड सबसे कम है। या आपने एक मछली का तालाब बनाया, उसमें पानी आपने जमा कर दिया, उसके बाद अपने मछली का जो बीज है वो डाल दिया, उसमें वहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत जो होगी सबसे कम होगी। यही मछलियाँ जब धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में पहुँच जाएंगी, उस स्टेज में पहुँच जाएंगी कि अंडा देने लायक होंगी, तब इनको एनर्जी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ओके, तो उत्पादकता और स्थिरता किस पर निर्भर है, मैंने कहा किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पर एनर्जी, सोलर एनर्जी और दूसरी एनर्जी के जो सोर्स हैं वो कितने मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं या रुक रुक करके मिल रहे हैं, और ये सोलर एनर्जी या दूसरी एनर्जी मिल रही है, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं इसको केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए कितने कैपेबल हैं, उस पर डिपेंड करेगा। स्थिरता आपको पता ही है कि कोई भी इकोसिस्टम कब स्थिर होगा,
कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर बाहरी दखल कम से कम हो, बाहरी दखल कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो, इसके अलावा जो बाहरी जातियाँ हैं उनका दखल या बाहरी जातियों का आक्रमण कम से कम हो तो स्टेबल होगा। एनर्जी की जो फ्लो है, एनर्जी की जो सप्लाई है वो लगातार बढ़ती रहे, मिलती रहे, वो इकोसिस्टम स्टेबल होगा। ये आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। फिर आता है ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन। तो ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जैसे एक किस इकोसिस्टम में फूड चेन होती है, ठीक है ना, किसी भी इकोसिस्टम फूड चेन होती है। तो अब फूड चेन में मान लीजिए प्रोड्यूसर्स हैं, उपभोग जिनको हम कहते हैं उत्पादक, प्लांट्स ना, प्लांट्स या हिंदी में क्या कहते हैं उनको, उत्पादक, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर्स। आपको पता है किसी भी इकोसिस्टम का जो बेस है वो है प्लांट्स। अच्छा, इसकी यहाँ आगे मैंने लिखा भी है, किसी भी इकोसिस्टम का जो बेस है या फूड चेन का जो बेस है वो है प्लांट्स या उत्पादक या हरे पौधे, और किसी भी इकोसिस्टम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो है सोलर एनर्जी या ऊर्जा, ध्यान रखना है। तो अब मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्शन, सकल और निवल उत्पाद। अब जो प्लांट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में, जो प्राइमरी स्टेज पर आप देख रहे हैं प्लांट्स हैं, वो जितनी ऊर्जा पैदा करते हैं या वो जितना जैव भार बायोमास पैदा करते हैं, ऊर्जा में गलत बोल गया, तो वो जितना बायोमास या जैव भार पैदा करते हैं वो कहलाता है ग्रॉस प्रोडक्शन। अब प्लांट्स पर कौन डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ना, नहीं सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सबसे पहले उत्पादक यानी कि हरे पौधे, उसके बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि होते हैं किस पर डिपेंड होते हैं, किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं ना। तो अब देखें, प्लांट्स ने कुछ ऊर्जा पैदा की, ठीक है ना, अब इन प्लांट्स की ऊर्जा को किसने खाया या किसने इस्तेमाल किया, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, भेड़ बकरी वगैरह जो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, पूर्ण शाकाहारी जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनको वो उन एनर्जी का कितना हिस्सा मिला वो कहलाता है नेट प्रोडक्शन। यानी कि एक स्तर पर जो प्रोडक्शन हुआ है बायोमास का उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन। अब उससे अगले स्तर पर जा करके उस एनर्जी का जितना भी हिस्सा मिला है नेक्स्ट लेवल को, वो उसे हम कहते हैं नेट प्रोडक्शन, ठीक है। बायोमास या जैव भार किसी भी एरिया में, एक मिनट रोक देना,